हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और आज हम बात करने वाले हैं स्पिन टूल के बारे में। स्पिन टूल के इस्तेमाल के लिए हम सबसे पहले एक सिलेंडर ले लेते हैं। इस सिलेंडर को थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं, इसमें नई वर्टिसेस ऐड करके। आप देखेंगे थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। टैब बटन दबा के चलते हैं एडिट मोड में। अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक स्पिन टूल है जिस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये मुझे एक ब्लू कलर का प्लस का सिंबल बनाकर दे देगा। इसका जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट जीरो। इसमें दो स्पिन दे रखे हैं, ये लगभग सेम तरीके से ही काम करते हैं। तो स्पिन टूल पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये मुझे ब्लू कलर का दो प्लस के सिंबल बना के दे देगा, जिसपे मैं अगर कर्सर लाता हूँ तो ये एक राउंड सर्कल मुझे दिखाएगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम इससे किसी भी ऑब्जेक्ट को राउंड कर सकते हैं। अब राउंड करने के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि मैं एक पाइप बनाता हूँ। इसके लिए मैं इसके फेस को सेलेक्ट करूंगा। अभी फिलहाल में ये जेड एक्सिस पे एक्टिवेट है। ऊपर आप देखेंगे तो एक्स वाई जेड आपको तीन इसमें अलग अलग एक्सिस दिखेंगे। अगर मैं एक्स पे क्लिक करूंगा तो रेड कलर का इसमें राउंड ऊपर से नीचे बन जाएगा। वाई पे क्लिक करूंगा तो इसमें ये राउंड इधर से इधर बन जाएगा, और Z पे करूंगा तो ये इसमें इधर से इधर बन जाएगा। अगर मुझे तीनों को एक साथ सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा और इसको क्लिक करके तीनों को एक्टिवेट कर सकता हूं। अब मुझे अगर इसकी पाइप बनानी है तो इस पाइप को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 3D कर्सर का इस्तेमाल करूंगा। 3D कर्सर पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं और इसको इधर इधर लेके आता हूं, और अब मैं अगर स्पिन टूल पे इस्तेमाल करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो सारे प्लस हैं वो मेरे 3D कर्सर पे मूव हो गए। अब मैं इस फेस को अगर एक्सट्रूड करना चाहूँ, सबसे ऊपर वाला फेस मेरा सिलेक्टेड है, तो मैं इस टूल के थ्रू रेड वाले एक्सिस पे इसको मूव कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बड़े आसानी से एक पाइप में कन्वर्ट कर दिया है। और थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको। अब नीचे वाले फेस को सेलेक्ट करेंगे और ई बटन दबा के एक्सट्रूड कर लेते हैं नीचे की तरफ। अब मैं अगर इसको इधर की साइड मूव करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से 3D कर्सर लूंगा और इस 3D कर्सर को इस बार इधर की साइड में रख देते हैं। और दोबारा से अगर स्पिन टूल का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे फिर से ये एक्टिवेट हो गए हैं। अब मैं इसको इस तरीके से राउंड करूंगा तो ये आप देखेंगे कि ये मुझे इधर की साइड नया पाइप बना के दे देगा। स्टेप्स अगर बढ़ाने हैं तो आप इसमें स्टेप बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल सेट कीजिए, और अब आप इसको करेंगे तो इसमें थोड़े से स्मूथनेस आ जाएगी। इसी तरीके से मुझे अगर वापस इधर लाना है तो मैं वापस 3D कर्सर को इधर की साइड रखूंगा और स्पिन टूल पे क्लिक करूंगा और इसको अब मैं फेस को सेलेक्ट करके यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ। तो आप देख चुके हैं कि स्पिन टूल का इस्तेमाल मोस्टली किसी भी एज या फेस या वर्टिसेस को स्पिन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ फेस के लिए इस्तेमाल हो। हम इसको डिलीट करते हैं, हम इसे वर्टिसेस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं पॉलीबिल टूल करके कुछ वर्टिसेस डिजाइन करता हूँ। फ्रंट के लिए मैं 1 दबाता हूँ फ्रंट मोड पे, और यहाँ से कंट्रोल दबा के कुछ वर्टिसेस अगर मैं लेता हूँ, मान लीजिए मैंने एक वर्टिसेस लिया यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और फिर यहाँ पे लिया और फिर यहाँ पे। अब मैं इस वर्टिसेस को अगर सेलेक्ट करूँगा और इसको राउंड करना चाहता हूँ तो मैं 3D कर्सर से इसके मिडिल में इसको रखूँगा, स्पिन टूल पे क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैं इसको राउंड करने की कोशिश करूँगा तो आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे 360 एंगल डाल देता हूँ, 360, तो इसके 360 में ये मुझे रोटेट करके दे देगा। तो इस तरीके से रोटेट टूल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो हमें अधिकतर ऑब्जेक्ट बनाने में काम आता है। इसके कुछ हमारे पास में प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, इससे हम इसके स्मूथनेस को बढ़ा सकते हैं। इसमें ज़्यादा स्टेप्स से ज़्यादा स्मूथनेस हो जाएगी। 360 कितने पे आपको राउंड करना है, अभी आप मैंने दिखाया कि 360 पे ये पूरे को एकदम साथ में ऑटो मर्ज करने से ये 360 पे ये ऑटोमेटिकली उसको मर्ज कर देगा। यहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो इसको हम यहाँ से रोटेट करके इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, एक्स सेंटर पे, वाई सेंटर पे या जेड सेंटर पे। जेड में अभी ये नहीं होगा क्योंकि ये हमने एक्स और वाई पे ही मूव किया है। यहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं,
तो इस तरीके से हमारी ये शेप बनके हमारे सामने आ जाएगी। तो अभी आपने देखा कि स्पिन टूल किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। स्पिन टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं दूसरे टूल को, जिसका नाम है स्पिन डुप्लीकेट्स टूल। इसका शॉर्टकट है Ctrl+1। या तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं या शॉर्टकट Ctrl+1 से इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूंगा, आप देख रहे हैं कि इसमें एक दो प्लस के साइन बन जाएंगे, ऐसे ही जैसे स्पिन टूल में बन रहे थे। फिलहाल मैं एक क्यूब ले लेता हूं। इसका जो काम है वो थोड़ा अलग है। अगर मैं इस क्यूब के डुप्लीकेट्स करना चाहता हूं और उन डुप्लीकेट्स का एक सर्किल बनाना चाहता हूं, तो मैं बड़ी आसानी से इसमें बना सकता हूं। एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, तीनों एक्सिस पे हम इसको डुप्लीकेट्स बना सकते हैं। तो पहले जेड एक्सिस पे देख लेते हैं किस तरीके से डुप्लीकेट करेंगे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा छोड़ूंगा, आप देखेंगे कि नीचे की तरफ एक विंडो आ जाएगी। अब अगर मुझे इसको मैनेज करना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि मैं इस विंडो से इसको मैनेज करूं। मुझे एक सर्कल चाहिए, यानी 360 एंगल पे मुझे इसको घुमाना पड़ेगा। यहाँ पे जितने स्टेप्स होंगे उतने ये डुप्लीकेट्स बनाएगा। 12 स्टेप्स हैं, यानी 12 डुप्लीकेट्स हैं, लेकिन वो एक ही जगह पे घूम रहे हैं। उनके बीच में अगर हमें गैप देना है, तो सेंटर एक्स वाई और जेड से हम इसको दे सकते हैं। अगर एक्स एक्सिस पे गैप देना है, तो इसमें इधर की तरफ ये इसको एक्स एक्सिस पे रेड वाली लाइन पे, जैसे ही हम इसको बढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि ये इसमें गैप हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर मैं वाई एक्सिस पे देना चाहता हूँ, तो वाई एक्सिस पे जैसे ही घुमाऊंगा, ये वाई एक्सिस पे इनके बीच में गैप दे सकता है। जितना मैं चाहूँ उतना गैप मैं इसमें मैनेज कर सकता हूँ। नीचे जो इसमें दे रखे हैं एक्स वाई और जेड, ये इसको रोटेट करने का काम करते हैं। एक्स पे अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, तो इसमें जैसे ही आप इसको घुमाएंगे, सारे के सारे क्यूब एक्स एंगल पे रोटेट करने लगेंगे। इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में रहेगी, और ये 180 डिग्री पे आपको रोटेट कर सकता है। तो इस तरीके से हम डुप्लीकेट से जितने चाहें उतने डुप्लीकेट्स बना सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये थे हमारे दो टूल्स, स्पिन और स्पिन डुप्लीकेट्स टूल। नेक्स्ट टूल में हम बताएंगे स्मूथ रैंडमाइज टूल के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि इसमें कितनी तरीके से हम इसको स्मूथ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।